हेलो दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जानेंगे कि यह देश के लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ और आने वाले नए कॉरिडोर्स कौन से होंगे और इसकी ज़रूरत सरकार को या हमारे देशवासियों को या फिर हमारे बिजनेसमैन को क्यों है। दोस्तों कुछ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार हो गए हैं और लगातार माल की ढुलाई भी कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी रेल कॉरिडोर हैं जिन पर अभी भी तेज गति से काम चल रहा है। दोस्तों रेल कॉरिडोर जो भारतीय रेलवे के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, इसे रेलवे को हजारों करोड़ रुपए की कमाई भी हो रही है और हर साल कमाई में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। दोस्तों माल की मात्रा भी बढ़ रही है और जो ये बताता है कि माल वक्त से पहुंचने के चलते कारोबारियों का विश्वास इसमें बढ़ रहा है। साथ ही जल्द ही रेल कॉरिडोर के दूसरे सेक्शंस पर भी काम शुरू होने वाला है। जो नए सेक्शंस जो आने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनमें शामिल हैं ईस्ट कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर वेस्ट बंगाल से होकर के विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश तक जाएगी, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर पालघर महाराष्ट्र से होकर के नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर जो कि विजयवाड़ा से इटारसी जो कि मध्य प्रदेश में है वहां तक जाएगी। इसमें जो दूरी तय होगी वो लगभग 4,300 किलोमीटर की होगी और एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो लगभग 2,00,000 करोड़ तक हो सकता है, जिसे फंड ऐसा माना जा रहा है कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिसे जीका कहते हैं, वो वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर इसमें अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों आज हम ये भी जानेंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत क्यों पड़ी थी। दोस्तों आज़ादी के बाद लगभग 1950 से 51 में कुल माल की ढुलाई रेलवे का जो हिस्सा था उसमें 83% था, लेकिन 2011-12 तक यह घटकर 35% आ गया था और दूसरी तरफ देश में कुल सड़क जाल का जो महज 0.5% हिस्सेदारी रखने वाले नेशनल हाईवे के द्वारा कुल माल की ढुलाई 40% तक जा पहुंची थी। इसकी वजह से रेलवे में माल ढुलाई बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। दोस्तों देश में बुनियादी ढांचे विकास पर अगले वर्षों में भारी निवेश किया जा रहा है और उद्योगों का तेज विकास हो रहा है। बिजली की बढ़त जरूरतों के लिए कोयला की ढुलाई लगातार बढ़ती जा रही है और इन सब वजहों से माल ढुलाई के लिए अलग से ऐसे लाइन और विकास की जरूरत महसूस हुई जिन पर सिर्फ मालगाड़ियों चलें ताकि किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो और माल तेज गति से देश के एक कोने से दूसरे कोने बड़े आसानी से पहुंच सके। दोस्तों इसीलिए सरकार ने अलग अलग कंपनियाँ बनाई जिसे डेडिकेटेड कॉरिडोर फ्रेट इसे कहते हैं, जिनमें जिसे DFCCIL भी इसे कहा जाता है। दोस्तों यह रेल मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका गठन 30 अक्टूबर 2006 में किया गया था और इसे DFCCIL ही रन करती है। दोस्तों इस पर जो विकास हुआ वो 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रेल मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी, 2006 में इसके ऊपर आगे की कार्रवाई हुई और ऐसे करते हुए इसमें लगभग 2019 में अक्टूबर खुर्जा भदान सेक्शन जो 194 किलोमीटर का था इसका ट्रायल रन किया गया था। इसके अलावा 2019 दिसंबर में रेवाड़ी मदार सेक्शन जो 306 किलोमीटर का था उसमें ट्रायल रन किया गया था। उसी प्रकार दिसंबर 2020 में ईस्टर्न डेडिकेटेड रोड कॉरिडोर से खुर्जा भावपुर सेक्शन का उद्घाटन कराया गया था और उसके बाद ये आम जनता को समर्पित भी किया गया था। दोस्तों अगर इसके फायदे के बारे में जानें, इस प्रोजेक्ट से बंदरगाहों में निर्यातकों, आयातकों, शिपिंग लाइन, कंटेनर ऑपरेटर आदि को फायदा पहुंचा और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के समानांतर ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी किया गया और हमने देखा कि देश में हाईवे के निर्माण से इकोनॉमी की स्पीड काफ़ी बढ़ी और उसी तरह से यह कॉरिडोर इकोनॉमी की तेज गति से बढ़ाने में साबित हुआ। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो हम एक बड़ा कदम इस वजह से भी आ सका। दोस्तों यह हाई स्पीड कॉरिडोर है
जिसमें रेलगाड़ियां की जो औसत गति है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसे चलाया जाता है। यानी इससे माल की आवाजाही में तेजी आती है, जिससे कारोबारियों में गतिविधियों भी तेज होते हैं और अर्थव्यवस्था की स्पीड भी में भी गति आती है। साथ ही भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन जिसे GSM आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, यानी इसमें माल गाड़ियों की ट्रैकिंग भी की जा सकती है। साथ ही इस कॉरिडोर में बड़े पैमाने में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी किया कम हुआ, साथ में माल ढुलाई वाले वाहन की जरूरत भी कम पड़ी। तो ऐसा कह सकते हैं इससे सभी को फायदा हुआ और इससे आम जनता को भी लाभ पहुंचा। दोस्तों, अगर इसकी गति के बारे में बात करें तो ये लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। और दोस्तों, 1000 किलोमीटर का होगा नया रेल कॉरिडोर। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की पूर्वी और पश्चिम हिस्सों के औद्योगिक क्षेत्रों को दक्षिण भारतीय से जोड़ने के लिए करीब 4000 किलोमीटर की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम अभी शुरू होने वाला है, जिसके बारे में हमने बात की थी। यह प्रस्तावित कॉरिडोर रेलवे के अगले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा और इससे देश के पूर्वी और पश्चिम हिस्सों को दक्षिण भारत के साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्य बंदरगाहों से भी जोड़ दिया जाएगा। साथ ही DFCC रेलवे की अगली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का हिस्सा है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3 रूटों पर बनाए जाएंगे, जिसमें खड़गपुर विजयवाड़ा को जोड़ने वाले 1115 किलोमीटर पूर्वी तटीय और कोलकाता से होते हुए इसे विजयवाड़ा बंगाल और महाराष्ट्र से इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे आम जनता को तो फायदा होगा ही, साथ ही सरकार और देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।